सरकारी बैंक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगी। ये बातें ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के नवनियुक्त राष्ट्रीय सलाहकार कॉमरेड सुनील कुमार ने कही। वो रविवार को शहर के इमलीचट्टे स्थित होटल शुभकामना इंटरनेशनल में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन कॉमरेड सुनील कुमार के राष्ट्रीय सलाहकार बनने पर उनके अभिनंदन के लिए किया गया था। जानकारी हो कि कॉमरेड सुनील कुमार फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से आए करीब 250 अधिकारियों ने भाग लिया। सभा की अध्यक्षता बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉमरेड डॉक्टर अच्युतानंद ने की। इस मौके पर मौजूद बैंक अधिकारियों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। कार्यक्रम को बैंक ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक और उप आंचलिक प्रबंधक ने भी संबोधित किया। इस मौके पर बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ के संयुक्त महासचिव कॉमरेड जलज सुब्रत, पटना अंचल के उप महासचिव कॉमरेड गणेश कुमार पांडे, मुजफ्फरपुर अंचल के उप महासचिव जनार्दन प्रसाद यादव, कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रिया कुमारी और आंचलिक कार्यालय से कॉमरेड अभिषेक कुमार मौजूद थे। कॉमरेड प्रिया पांडे के धन्यवाद ज्ञापन के बाद सभा समाप्त हुई।